हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि हॉरर होने के साथ साथ थ्रिलिंग भी है। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि एक एक्सप्लेनेशन मूवी इट फॉलोज पे बनाई जाए, तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं डेविड रॉबर्ट। इस मूवी में हम एक ऐसे अननोन पावर के बारे में देखेंगे जो किसी के साथ इंटीमेट होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी है, और वो इधर उधर अपने घर से बाहर भाग रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई अननोन पावर उसका पीछा कर रहा है। और वो अपने कार को लेकर बीच पर चली जाती है और अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके कहती है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शायद आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ, और ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहाँ मिलती है, और देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है, और शायद उसे वही अननोन पावर ने मारा है जो उसका पीछा कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसमें दो बहन को देखते हैं जिनका नाम जे हाइट और केली हाइट है, और जे के फ्रेंड का नाम यारा था और उसके भाई का नाम पॉल था। जे का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम ह्यू था, और ये दोनों एक मूवी देखने गए थे जहाँ ह्यू को येलो ड्रेस में एक लड़की दिखती है जिसे जे नहीं देख पा रही थी, और ये देखकर ह्यू बहुत घबरा जाता है और जे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं जहाँ एक अननोन पावर इनका पीछा कर रहा होता है, और फिर अगली रात जय और ह्यू वापस से मिलते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त ह्यू जय को क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश कर देता है, और फिर हम अगले सीन में जय को देखते हैं और उसे ह्यू को एक चेयर से बांध देता है, और तब ह्यू जय को बताता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी है और ये मेरे पीछे तब से है जब से मैंने एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, और इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक ही तरीका है कि मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ता, और मैंने इसके लिए तुम्हारा सहारा लिया, और अब ये एंटिटी तुम्हारे पीछे पड़ गया है और अब ये तुम्हें फॉलो करेगी और किसी भी शक्ल में तुम्हारे पास आ सकती है और तुम्हारी जान भी ले सकती है। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें जल्द ही किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और फिर ह्यू जय को अपने कार में बैठा कर उसे जय के घर के बाहर छोड़ के चला जाता है, और वह कुछ टाइम के बाद वहाँ पुलिस हो जाती है और जय अपने साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट पुलिस से करती है। फिर कुछ दिनों के बाद जय अपने स्कूल जाती है जहाँ वो विंडो के बाहर एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो सिर्फ उसे ही देखे जा रही थी, और ये वही एविल एंटिटी थी जो उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर जय वहाँ से भागकर अपनी बहन कैली के पास जाती है जहाँ पॉल भी था, और वो उन दोनों को सब बात बताती है। लेकिन पॉल को जय की बात पर कोई भरोसा नहीं होता और वो डिसाइड करता है कि आज वो जय के घर पे रुककर निगरानी करेगा। रात को जय को नींद नहीं आती है तो वो नीचे पॉल के पास आती है जहाँ वो टीवी देख रहा था। तब एक ग्लास टूटने की आवाज़ आती है और पॉल कैली को बुलाने जाता है। तब एक नेक लड़की जय की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और जय बहुत डर जाती है और भागते हुए कैली के रूम में जाती है जहाँ पॉल और यारा भी होते हैं। वहाँ भी यारा के पीछे जय को एक ब्लाइंड आदमी दिखता है, और फिर वो वहाँ से भागते हुए अपने गार्डन में पहुँच जाती है जहाँ उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। यहाँ हम ग्रेग को भी देखते हैं जो जय का एक्स बॉयफ्रेंड था, और वो जय की हालात देखकर उसकी मदद करने का सोच लेता है। वो कहते हैं ना कि पहला प्यार तो पहला ही होता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब ये लोग ह्यू के पुराने घर पे जाते हैं जहाँ वो रहता था, और यहाँ इन्हें एक फ़ोटो मिलता है जिसमें ह्यू स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इसकी मदद से वो लोग उस स्कूल में जाते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ह्यू ने जय को अपना असली नाम नहीं बताया था, और उसका असली नाम जेफ रेडमन था, और यहाँ से उसका एड्रेस भी मिलता है। जिसके बाद ये लोग उसके घर पहुँचते हैं और डोर की बेल बजाने पर ह्यू की मदर आती हैं, और जय को उसकी शक्ल उस लेडी से मिलती हुई दिखती है जिसे जय से एंटिटी के रूप में देखा था। अब यहाँ ह्यू उन सब से मिलता है और वो जय से माफ़ी भी मांगता है और बताता है कि इस एंटिटी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, और ये भी बताता है कि उसने एनी के साथ भी इंटीमेट किया था, लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उस एंटिटी ने ह्यू का पीछा करना फिर से शुरू कर दिया। और वो जय से कहता है कि तुम्हें भी किसी के साथ इंटीमेट करना होगा, तब जाकर ये एंटिटी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा।
और फिर ग्रेग उन सबको अपने फैमिली लेक हाउस पे लेके जाता है और वहाँ जय को गन भी चलाना सिखाता है ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि वही एंटिटी जय पर हमला कर देता है, लेकिन जय किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाती है और उस एंटिटी पर गोली चलाती है। गोली लगने से एंटिटी गिर तो जाती है लेकिन वापस से खड़ा होकर उसके पीछे आने लगता है। तब जय ग्रेग की कार लेकर आगे भागने लगती है लेकिन उसका एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। तब हम जय के सभी दोस्त को उसके पास देखते हैं और फिर रात में जय इस कर्ज को पास ऑन करने के लिए ग्रेग के साथ इंटीमेट हो जाती है। और इस इंसिडेंट को अब 5 दिन हो गए थे लेकिन अब तक ग्रेग के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था और ग्रेग ये मान लेता है कि ये कर्ज वाली बात झूठ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जय ग्रेग को अपने घर की तरफ जाते देखती है और जय को ऐसा लगता है कि वो एविल एंटिटी है जिसने अब ग्रेग का रूप ले लिया है। और वो ग्रेग को कॉल भी करती है लेकिन वो अनरीच बताता है। जय अब तुरंत ग्रेग के घर जाती है जहाँ अब उस एविल एंटिटी ने ग्रेग की मदर का रूप ले लिया था। जैसे ही जय ग्रेग को कुछ बता पाती तब तक उस एंटिटी ने ग्रेग पर हमला करके उसे मार दिया था। इससे ये पता चलता है कि अब वो एंटिटी वापस से जय का पीछा करने वाला है और इससे बचने के लिए अपने कार में बैठकर बहुत दूर चली जाती है। अब अगली सुबह जब जय की नींद खुलती है तब वो एक बीच पे होती है और अपने कपड़े उतार कर उस पानी में स्विमिंग करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जय को अपने घर में पॉल के साथ देखते हैं जहां पॉल जय को ऑफ़र करता है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ और इस कर्ज को ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन जय ऐसा करने से मना कर देती है और अब उस एंटिटी को जान से मार देने का प्लान बनाते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि अगर उस एंटिटी को पानी से भरे पूल में डुबाकर शॉक दिया जाए तो शायद एंटिटी मर जाए। घर से निकलते वक्त घर की ऊपरी हिस्से पर जैन ने एक नेक्ड आदमी को देखती है जो कि एंटिटी था और ये लोग स्विमिंग पूल की तरफ अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ चले जाते हैं। अब पूल पहुँच कर जय पूल में चली जाती है और बाकी लोग इक्विपमेंट सेट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एंटिटी जय के डैड की शक्ल में आ जाती है और उस पर इक्विपमेंट को पकड़ने लगता है। अब पॉल को एंटिटी दिख नहीं रहा था तो वो अंदाजे से गोली चलाता है और एक गोली यारा के पाँव में लग जाती है। तब पॉल एक कपड़ा लेकर उस एंटिटी की बॉडी पे फेंक देता है जिससे कि उसकी बॉडी का शेप पता चल जाता है और फिर पॉल एक गोली उसके हेड में मारता है जिसके बाद एंटिटी पूल में गिर जाता है और फिर जय का पांव पकड़ लेता है और फिर से पॉल एक गोली मारता है जिसकी वजह से जय पूल के बाहर निकल जाती है और पूल में खून फैल जाता है, लेकिन वहाँ एंटिटी नहीं होता है। अगले सीन में हम पॉल और जय को सेक्सुअल अटैच होते हुए देखते हैं जिसकी वजह से पॉल के ऊपर वो कर्ज ट्रांसफ़र हो जाए और फिर हम पॉल को प्रोस्टिट्यूट वाले एरिया में जाते देखते हैं, लेकिन मूवी में ये क्लियर दिखाया नहीं गया है कि पॉल वहाँ किसके साथ इंटीमेट होता है या नहीं। अगले सीन में हम पॉल और जय को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखते हैं और उसका कोई यहाँ पीछा कर रहा था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर गाइस।